नमस्कार बंधुओं, आपको अगर किसी व्यक्ति के पास बैठने पर सांस लेने में तकलीफ हो या फिर बदबू का एहसास होता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और सिर्फ बस आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वाहियात वीडियो में हम आपको बताएंगे फैक्ट्री में सुगंध विस्तारित परफ्यूम को कैसे बनाया जाता है, यानी बदबू को दूर भगाओ प्रक्रिया में उपयोग होने वाला परफ्यूम को कैसे बनाया जाता है और इसमें ऐसे क्या मिलाया जाता है जो व्यक्ति को जान से मारने वाली बदबू से बचाता है और सुगंध पैदा करता है। खास बात इसकी ये है कि इस परफ्यूम को यहाँ से लेकर यहाँ तक के व्यक्तियों द्वारा यूज़ किया जाता है, तो इतने बड़े व्यक्ति इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप देख लीजिए आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए मेरा और आपका टाइम पास करते हुए धीरे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बंधुओं, बदबू हटावा प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले परफ्यूम को फूल, घास, मसाले, फल, लकड़ी, जड़े, रेजिन, बालसम, पत्ते, पशु का मूत्र, शराब, पेट्रोकेमिकल, कोयला, अरे ये वाला आदि को खोखचे में ले जाया जाता है। अरे बंधुओं, खोखचे का मतलब होता है फैक्ट्री। अब आप समझ जाना, खोखचा जब भी बोलूँ इसका मतलब फैक्ट्री। इन सभी कच्चे मालों को अब वाष्प आसवन में यानी भाप के माध्यम से उबाला जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को एक बड़े ड्रम में डाला जाता है, जिन पर मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोलियम ईथर डाला जाता है। अब बदबू को हटाना आवश्यक होता है, वरना यह बदबू आपको कोमा में लेकर जा सकती है। वैसे मैं सोच रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भी परफ्यूम इस्तेमाल करता है, मुझे बाथरूम में फ्रेश होते समय महसूस हुआ। अब आप समझ जाओ इतनी बात। तो इस प्रक्रिया के बाद सभी कच्चे मालों का अलग अलग तेल निकाला जाता है, फिर इस तेल को सर में लगाया जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, सर में नहीं लगाया जाता, मैं तो मजाक कर रहा था। इन सभी तेलों को एक बड़े रोलर ड्रम में इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इसमें थोड़े लेबोरेटरी, अरे चीन वाली नहीं, फैक्ट्री वाली लेबोरेटरी में बने एसेंस को मिलाया जाता है। फिर खुशबू पैदा होने के बाद इसमें शराब को मिलाया जाता है। फिर इन्हें बोतलों में पैक करके इनको बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वाहियात लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।